शिया अभी शिंग से बात कर ही रहा होता है कि अपने साथ मौजूद एक कपल को देखकर अचानक ही उसका मन करने लगता है कि काश शिंग यहाँ पर होती। फिर खुद को ही कोसने लगता है कि अरे मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों शिंग के बारे में सोच रहा हूँ। अब कंपनी में एक गेमिंग कंपटीशन होने वाला था तो एमी आर्शिंग अब जानबूझकर हीजू को भी पार्टिसिपेट करने के लिए कह देती हैं, जो कि वो मान जाता है। शिया की मुलाकात याओ से भी हो जाती है, जो कि हीजू एंड उसकी बचपन की फ्रेंड थी। हीजू और याओ एक ही कंपनी में काम करते हैं। याओ शिया के साथ ही होटल आई थी तो एमी की जब शिया को कॉल आती है तो वही पिक करती है। अब ऊपर से शिया भी आकर एमी से वर्क डिस्कस कर लेता है। अब एमी जीजी और शिंग को ये बताती है कि लगता है बॉस को अपनी कोई गर्लफ्रेंड मिल ही गई है, क्योंकि रात को शिया का फोन उसी ने ही पिक किया था। सबको लगता था कि शायद हीजू कंपटीशन में नहीं आएगा, बट वो तो वहाँ पर आ ही जाता है और ये गेम जीत कर वो एक नया रिकॉर्ड बना लेता है। अब इसके बदले में उसने सबको ट्रीट भी देनी थी। अब जब उसे पता चलता है कि शिंग ने जस्ट स्नैक्स वगैरह के लिए ही उससे प्रैंक किया है तो वहाँ पर उस पर गुस्सा हो जाता है एंड एक ही शर्त पे माफ़ करता है कि तुम्हें मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट का खाना खिलाना होगा, जो कि वो मान लेती हैं। दूसरी तरफ याओ तो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर स्पेशल शिया को घुमाने भी लेकर जाने लगती है। हीजू शिंग को कॉल करके ऑफिस में मौजूद उसका इम्पोर्टेंट स्टफ उसे देकर जाने को कहता है। हीजू ने बिजनेस के सिलसिले में याओ को कॉल की थी। अब पीछे से शिंग को आते शिया भी देख लेता है और वो हीजू पे गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें यूँ मेरी कंपनी के रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। वो तो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। शिंग तो फिर हीजू को उसका स्टफ देकर फिर वहाँ से चली जाती है। अब इसी प्लेस पर हीजू की तो अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड से भी मुलाकात हो जाती है और वो तो उसे ना सिर्फ यहाँ पर बंद कर देती है बल्कि उसका फ़ोन भी उससे लेकर स्विच ऑफ कर देती है। इसलिए हीजू का कॉलीग उससे इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस ही नहीं कर पाता। शिया याओ के साथ एक शॉप पर शिंग के लिए गिफ्ट बाय करने आ गया होता है। अब उसे यहाँ एक छोटी सी गिफ्ट किटन दिखती है तो वो यही उसके लिए ख़रीद लेता है। लॉक होने के चक्कर में हीजू का सारा काम ख़राब हो चुका था। इसी बात पर इन्हें बॉस से भी डांट पड़ जाती है। अब इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हीजू ले लेता है। अब शिंग भी हीजू पे गुस्सा होती है कि उसे ट्रीट देने का कहकर खुद वो रेस्टोरेंट ही नहीं आया है। अब वो फिर जल्दी से उसके पास आता है एंड इतनी देर उसके लिए वेट करने पर फिर वो उससे अपोलोजाइज भी करता है। अब बाद में हीजू तो सीधा सीधा शिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह देता है। इस बात से वो तो काफ़ी शॉक होती है। याओ को तो फिर हीजू की गई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब वापस आने के लिए कह दिया जाता है। अब शिया और वो दोनों साथ में ही वापस आने का डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट डे शिया को एयरपोर्ट से पिक करने एमी आती है और फिर ऑफिस आने पर उसका शिंग से इनकाउंटर भी हो ही जाता है। ऑफिस में शिंग के नाम से किसी ने फ्लावर्स भेजे थे तो शिया काफ़ी हैरान होता है कि ऐसा भला कौन कर सकता है। खुद को तो वैसे भी उसे फ्लावर्स के सेंट से एलर्जी थी। फिर बाद में सबको पता चलता है कि ये तो एक्चुअली में हीजू ने ही शिंग के लिए भेजे थे। शिंग ने तो शिया को बता दिया था कि हीजू ने उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा है, जिसका फ़िलहाल उसने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। शिया उसे कुछ दिन और वेट करके हीजू को जवाब देने के लिए कहता है कि तब तो वो फिर ही खुद ही तुम पर गिव अप कर देगा। शिया शिंग को अपनी कार में से उसके लिए लाया गया गिफ्ट लेने के लिए कह देता है। अब जब वो अपने गिफ्ट को देखती है तो खुश हो जाती है। हालांकि जो उसने शिया को गिफ्ट लाने के लिए कहा था वो ये नहीं था, बट फिर भी वो इसे एक्सेप्ट कर ही लेती है। दूसरी तरफ याओ भी अब कंपनी में वापस आ गई होती है। आते ही वो होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के आइडियाज़ देती है, जिसकी वजह से उनका ये मैटर बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाता है। और यहाँ पर हीजू भी उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है कि इसने कैसे अच्छे तरीके से इस मैटर को हल किया है। हीजू ने जितने भी फ्लावर्स शिंग को भेजे थे वो शिया ने अपने ऑफिस में ही रखवा लिए थे।
अब बाद में जब इस सब का उसे पता चलता है तो वो फिर शिंग से नाराज हो जाता है एंड उसे अपना वर्क भी सबमिट करवाने से मना कर देता है। अब मानने की उसकी शर्त उसके साथ रेस्टोरेंट जाने की थी, जिसकी इजाज़त पेशिया को मजबूरी में उसे देनी ही पड़ती है। अब रेस्टोरेंट आकर हिजू ने उसे अपना लव फिर से कन्फेस कर लिया था, बट शिंग उसे कोई रिस्पांस नहीं देती। शिया भी इन पर नज़र रखने यहाँ पर ही आया हुआ था और फिर हमें यहाँ पर फील होता है कि जैसे वो शिंग को लाइक करता है बट अभी तक उससे लव कन्फेस नहीं कर पाया है। हिजू तो शिंग से मिलने डेली ऑफिस आता है बट वो उससे फिर नहीं मिलती। अब एक बहाने से वो उसे अपने ऑफिस में बुलवा लेता है एंड अब एक प्रोजेक्ट पर वर्क करने के सिलसिले में हिजू शिंग को अपने साथ एक प्लेस पर चलने को कहता है। अब जिस रेस्टोरेंट पर ये दोनों आए होते हैं वहीं पर ही शिया श्याओ को लेकर आया था। जब उसकी नज़र इन दोनों पर पड़ती है तो वो चोरी चोरी शिंग को यहाँ से लेकर भाग जाता है। हिजू तो बस हैरान ही रह जाता है कि आखिर ये कहाँ चली गई है। अब जब शिया को पता चलता है कि शिंग प्रोजेक्ट के लिए ही हिजू के साथ आई थी तो वो फिर उसकी हेल्प करने के लिए उसे बेस्ट रेस्टोरेंट लेकर आता है और यहाँ पर ये दोनों तो एक कपल होने का नाटक भी करते हैं। ये आइडिया शिया का था ताकि शिंग अपने प्रोजेक्ट के लिए कपल होने का नाटक करके अच्छी रेफरेंस ले सके। अब फिर बाद में शिया शिंग को घर भी ड्रॉप करता है। शिया को लिंग स्टार्ट से ही पसंद नहीं था। अब जब श्याओ को छोड़ने वो घर जाता है तो शैन के साथ उसे देखकर वो फिर गुस्सा हो जाता है। शिया नहीं चाहता था कि लिंग उसकी सिस्टर की लाइफ में दोबारा से आए बट फिलहाल उसकी बहन ही उसे चुप करवा देती है। उसे लगता है कि शायद पास्ट में ये इसी से ही तंग होकर मुझसे दूर हुआ था बट अब रियलिटी क्या थी शायद वो इस बात से अनजान थी। अब शिया इसे लाइक क्यों नहीं करता था उसके बारे में हमें फिलहाल कुछ नहीं बताया गया। फिर बाद में घर पर ही जू शिया से मिलने आता है एंड यहाँ पर उसे वार्न करता है कि अगर तुम शिंग को लाइक नहीं करते हो तो फिर उसके और मेरे रिलेशन के बीच में आने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात से यहाँ पर शिया को तो उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे नाराज ही हो जाता है। अब नेक्स्ट डे ही जू फिर से शिंग को फ्लावर देने आया होता है। याओ को भी अब हिजू के साथ ही नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया गया था। अब फिर याओ को शिंग से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। शिया ने शिंग को हटाकर एक और लड़की को हिजू की असिस्टेंट बना दिया था। इस बात का जब हिजू को पता चलता है तो वो काफ़ी सरप्राइज होता है एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।